हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। मैं हूँ दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल, देखेंगे कहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो ये मैंने 1 आवर चार्ट लिया, तो अगर 1 आवर चार्ट में देखेंगे तो प्रीवियस मार्केट क्रूड ऑयल 50 मूविंग एवरेज जो येलो कलर का है यहाँ से बाउंस हो रहा है, राइट। और आप देख सकते हैं ये क्लियरली शो कर रहा है ये अप ट्रेंड में है मार्केट। अभी भी क्रूड ऑयल मतलब जो मार्केट अप ट्रेंड में रहता है तो हम सिर्फ बाय ही ले सकता है, तो इसलिए हम बाय में जाना चाहिए इसमें। तो आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल 50 मूविंग एवरेज से बाउंस हो रहा है, राइट। तो यहाँ से हम फिर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 50 मूविंग एवरेज से फिर से बाउंस हो सकता है क्रूड ऑयल, तो इसलिए हम बाय लेंगे। तो 50 मूविंग एवरेज के आसपास जब प्राइस आएंगे तो वहाँ से बाय लेंगे। तो इसलिए मैंने 50 मूविंग एवरेज के आसपास एक हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ कर दिया, जो क्योंकि यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस लाइन था, यहाँ पे सपोर्ट था, राइट। यहाँ पे भी एक सपोर्ट बना के रखा हुआ है जो 50 मूविंग एवरेज में है, तो ये हमें मिल गया 1 आवर में सपोर्टिंग जो एंट्री पॉइंट, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे अभी 15 मिनट में हमें अगर देखे तो आप देख सकते हैं ये 15 मिनट का चार्ट है। तो 15 मिनट में यहाँ पे क्या हुआ, 200 मूविंग एवरेज के आसपास एक सपोर्ट बन गया, राइट, जो मैंने ड्रॉ किया था। और प्रीवियस मार्केट बिहेवियर देखे तो प्राइस 200 मूविंग एवरेज से बाउंस हुआ था, राइट। यहाँ पे तो यहाँ से बाउंस हुआ था मार्केट, राइट। तो यहाँ पे और उसका बाद ये जो 150 मूविंग एवरेज से बाउंस हुआ, 150 मूविंग एवरेज से बाउंस हुआ, तो अगर यहाँ पे ये जोन में आप एंट्री लिया तो फर्स्ट टारगेट रहेगा जैसे ये प्रीवियस हायर पॉइंट अराउंड 4485, तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 4500 का आसपास। और ऐसा आप प्रीवियस हायर पॉइंट जैसे ये प्रीवियस हायर पॉइंट है उसका नीचे आप लगा सकता है। अगर यहाँ पे जो आपने लिया तो ये अगर 1 आवर हुआ तो रिस्क 1 आवर हो गया, तो यहाँ से नेक्स्ट 2 आवर और 1 आवर में लगा सकता है 1:1 में और 1:2 में। 1:1 होगा ये 1:1, राइट। 1 आवर ये हो गया 2 आवर जो आपने लिया था, 1:2 रेशियो में यहाँ पे जा सकता है, राइट। So I hope you enjoyed this video. If you like this video, please like and subscribe. Thanks for watching.